Who is it? Don. प्रेसिडेंट की रैली की जगह प्रेसिडेंट की अर्थी जरूर निकलवा सकते हैं हम लोग। बता दीजिएगा फ्रैंकलिन सर को कि उनके साथ उनके पीछे उनके करीबी लोग उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बच सकता फ्रैंकलिन मेड से। जैसे कि आपने पिछले कुछ पार्ट में देखा था, प्रेसिडेंट ने यार फ्रैंकलिन को कोई भी बहाना देकर के यार जानबूझ करके पुलिस ऑफिसर की जॉब से निकाल देता है। फ्रैंकलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फ्रैंकलिन बन जाता है डॉन और लॉस सैंटोस को बर्बाद करने के पीछे फ्रैंकलिन पड़ जाता है। लेकिन गाइस कोई फ्रैंकलिन का अपना करीबी प्रेसिडेंट को जाकर के बता देता है कि यार फ्रैंकलिन डॉन बन चुका है। प्रेसिडेंट को पता चल जाता है और प्रेसिडेंट यार फ्रैंकलिन के पीछे छोड़ जाता है पुलिस की फोर्स और बहुत भयंकर तरीके से फ्रैंकलिन को मारने की धमकी दे देता है। तो फ्रैंकलिन भी यार अपना रास्ते पर चल रहा होता है लेकिन फ्रैंकलिन को दिखाई देता है कि यार पुलिस आ गई है और पुलिस यार फ्रैंकलिन को मारने के पीछे पड़ी हुई होती है। फ्रैंकलिन कैसे भी करके उन्हें टैकल करता है। तो देखिए गाइस यार आज होने के वाला है। यार ये फ्रैंकलिन बंदा है या क्या है भाई? ये तो फ्रैंकलिन का पासा बहुत उल्टे पड़ गया। ये गैंगस्टर वाले जब रूप में आता है डॉन बन चुका है, तो ये लॉस सैंटोस का बहुत गंदे वाला। और यार ये ऐसे रूप में आकर के ये ऐसे खात्मा करने की कोशिश कर रहा है मेरा। अरे यार ये कितना ज्यादा वैसा इंसान है भाई, कितना खतरनाक है फ्रैंकलिन। अरे यार इससे तो बचकर ही रहना पड़ेगा। अरे इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? अरे तुम्हें पता नहीं है, फ्रैंकलिन ने देखा पुलिस को यार उल्टे पांव भेज दिया और सारी पुलिस को बर्बाद कर दिया उसने। कोई नहीं, मैं सुबह होने तक का वेट करता हूं मैं आपका एक और नए गेम प्ले वीडियो में PSS गेमर की। तो गाइस देखा ना यार लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ने कितनी खतरनाक चाल चली और प्रेसिडेंट को पता चल गया था कि मैं डॉन बना हूं और प्रेसिडेंट ने मेरा ये हाल किया। प्रेसिडेंट ने सारे पुलिस मेरे पीछे छोड़ दी और मेरे साथ ये हो गया। मैं घर से बाहर निकला और घर से बाहर मेरे पास सिक्योरिटी नहीं होती और प्रेसिडेंट ने इसी बात का फायदा उठाया और यार प्रेसिडेंट ने हम पर अटैक कर दिया। वो तो बस्ते बचाते हैं हमारी मर्सिडीज गाड़ी GT, उससे हम बस्ते बचाते हैं आ गए घर पे। और नहीं तो क्या गाइस, माइकल भाई के गिफ्ट की हुई गाड़ी, उस वजह से हम बच पाए हैं गाइस। नहीं तो यार अगर दूसरी कोई गाड़ी होती तो हमारा खात्मा हो जाता है। फ्रैंकलिन भैया आप यार कुछ फर्स्ट एड किट क्यों नहीं ले लेते और ये कुछ लगाते क्यों नहीं? डॉक्टर को दिखाओ यार, आपके जख्म हो रहे हैं। सिंचर इन जख्मों से हिल गया तो भाई हो लिया काम। अरे फ्रैंकलिन भैया, और नहीं तो क्या सिंचर भाई, सर तू पागल हो रहा है? फ्रैंकलिन को तू इन जख्मों से बोल रहा है कि यार ये फ्रैंकलिन के कोई नॉर्मल जख्म नहीं है? हां भाई चौपो। और नहीं तो क्या भाई साहब, फ्रैंकलिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही यार। क्या हो गया? बात है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि लॉस सैंटोस में भाई ऐसा कौन व्यक्ति है भाई जो तेरी बात प्रेसिडेंट तक पहुंचा रहा है। मतलब बात सब किसी को नहीं पता था कि तू डॉन बन चुका है और तू प्रेसिडेंट पे एक अचानक से भयंकर अटैक करने वाला था, राइट? हाँ भाई सही बात है बात सब। तो फिर बाद में उसको प्रेसिडेंट को पता कैसे चला जो प्रेसिडेंट ने तेरे पे पुलिस फोर्स छोड़ दी? हाँ ये बात भी तो देखनी है ना चौपो। इसी चक्कर में गाइस मैंने ना अपने एजेंट्स भेज रखे हैं कि पता करके आए कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है आराम आराम से। रुको, तुम वापस आए हो? अरे क्या हुआ? अच्छा, तुम हो? हाँ मैं हूँ, बताओ। अरे नहीं, मुझे लगा कि यार वो जासूस हो सकता है। एक व्यक्ति आया था, वो प्रेसिडेंट का जासूस है। अच्छा क्या बात हुई है? वो आपको अंदर से खबर मिल जाएगी लेकिन हम यहाँ की खबर बता देते हैं। वो ऐसी काले शीशे काली गाड़ी में आया था और वो इस गाड़ी से नीचे नहीं उतरा था। अच्छा चलो मैं अंदर जाकर के खबर पूछता हूँ। बैठ करके निकलता हूँ, दूसरे रास्ते से निकलता हूँ। हाँ आप दूसरे रास्ते से जाइए, यहाँ से हम आपको एंट्री नहीं दे सकते, जो कि है फ्रैंकलिन किंग। अरे भाइयों तुम आ गए? हो भाई मैं आ गया हूँ। तुम फ्रैंकलिन सर के लॉयल फ्रेंड हो ना? अच्छा क्या पूछ रहा था? अरे मुझे ये पूछ रहा था कि ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को किसने बताया कि फ्रैंकलिन सर डॉन बने हैं? अरे तुम्हारे फ्रैंकलिन सर का कोई करीबी है, इसी रेंज रोवर, ऐसी हूबहू रेंज रोवर गाड़ी में आया था काले शीशे करके, और वो आया और उसने किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्या उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया? मास्क पहन रखा था? हाँ फ्रैंकलिन सर का बहुत ज्यादा करीबी है और वो यहाँ पे प्रेसिडेंट का जासूस बन रखा है, वो फ्रैंकलिन सर के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मुझे सिक्योरिटी ने भी बताया था कि वो गाड़ी से उतरा नहीं था। हाँ अंदर की खबर मैंने आपको दे दिया, बाहर की खबर आपको बाहर की सिक्योरिटी ने दे दिया लॉस सैंटोस में। लेकिन डर बिल्कुल बना पड़ा है फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन बड़ा खतरनाक होते गया है, रात को मुझे नींद भी नहीं आई है। फ्रैंकलिन इतना बड़ा डॉन बन चुका है लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, अपने जासूस मैंने छोड़ रखे हैं। फ्रैंकलिन तू बचेगा नहीं, कल मेरी रैली निकलेगी यहाँ से।
अरे सर, कौन सी रैली निकलेगी? अरे रैली निकलेगी, प्रेसिडेंट की रैली। देखता हूँ कि कौन मुझे बर्बाद कर सकता है। फ्रैंकलिन कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी इतनी सिक्योरिटी लगा दूंगा, इतनी पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, सारी फोर्स लगवा दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएगा फ्रैंकलिन, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फ्रैंकलिन को पता है क्या है मेरे बारे में? अरे कहीं मैं फंस ना जाऊँ। मैंने ये झूठी मोटी पुलिस का भेस बना रखा है। मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं फ्रैंकलिन सर की सिक्योरिटी हूँ। कहीं मैंने ये भेस बना रखा है, कोई मुझे पहचान ना ले, कोई ना पहचान ले। कौन हो तुम? अरे अरे मैं फ्रैंकलिन सर का आदमी हूँ। अच्छा अच्छा फ्रैंकलिन सर का आदमी हूँ। हाँ। अरे अरे क्या कोई खबर है क्या? हाँ कोई खबर आई है, एक नई खबर आई है कि प्रेसिडेंट इधर है और प्रेसिडेंट की कल रैली निकलेगी। प्रेसिडेंट की कल रैली निकलेगी? हाँ प्रेसिडेंट की कल रैली निकलेगी, और वो एक एड्रेस है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ वो मेरे को एड्रेस भेज दो। फ्रैंकलिन सर। हाँ भाई आ जाओ, जल्दी आओ। फ्रैंकलिन सर जस्ट वेट अ मिनट, मैं आता हूँ आपके। फ्रैंकलिन सर मैं आपको बताता हूँ सर, एक लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? हाँ भाई सब बताओ भाई बताओ। फ्रैंकलिन सर मैं जासूस बनकर वहाँ पे गया था सर, वहाँ पे ना काफी लोगों ने मुझे पहचान लिया कि मैं फ्रैंकलिन का आदमी हूँ। हैं? हाँ सर, लेकिन वो किसी को नहीं बताएंगे कर सर, क्योंकि वो आपके वाले दोस्त हैं। अच्छा मेरी पुलिस ऑफिसर होगी? हाँ सर मेरी आपकी पुलिस फोर्स है, तो वो आपके लिए लॉयल है। अरे यार लॉयल कोई नहीं रहता सर, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको किसी को नहीं बताएंगे। तो सर ये बात हुई कि वहाँ पे ना सर कल एक व्यक्ति आया था रेंज रोवर से। रेंज रोवर से? हाँ हाँ बोल। हाँ सर ब्लैक कलर की रेंज रोवर से आया, और वो ब्लैक कलर की रेंज रोवर से वो प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट को जाकर के आपके बारे में बता दिया। लेकिन वो था कौन सर? पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी में से बाहर नहीं निकला, और उसने कुछ ब्लैक कलर के शीशे लगे हुए थे। अच्छा, और सर बाहर की सिक्योरिटी वालों की बात बता रहा हूँ। जब मैं अंदर गया, अंदर वाली सिक्योरिटी कहने लग गई कि वो एक व्यक्ति आया था, उसने मास्क पहन रखा था और उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। ओ तेरी की। हाँ सर, और वो ना आपका ही किसी का, आपका करीबी है सर जो ये जासूसी कर रहा है। भाई मेरा करीबी जासूसी कर सकता है ये चीज़ तो? अरे फ्रैंकलिन भैया कोई हमारा ये सिक्योरिटी में से तो कोई नहीं है? अरे नहीं नहीं सर, हमारी टीम पे शक मत करिए। अरे नहीं नहीं यार, मैं तुम पे शक नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन ये शक अगर यकीन में बदला तो तुम्हें पता है ना मेरा क्या है ना, कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अरे सर सब पता है, सब पता है सर। सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ये आपको गलतफहमी हो रही है। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिनचैन पर उस जासूस को पकड़े तो पकड़े कैसे? अरे फ्रैंकलिन भैया उस जासूस को पकड़ने के लिए आपके पास कोई ताकत पावर तो होनी चाहिए ना यार। प्रेसिडेंट ने पूरे लॉस सेंटोस में, मतलब अपना व्हाइट हाउस में सारी सिक्योरिटी उसने अपने पास लगा दी है। उसकी पुलिस फोर्स सारी उसके इशारों पर नाचेंगी। फ्रैंकलिन भैया आप डॉन जरूर बन चुके हो, लेकिन फ्रैंकलिन भैया यू हैव लैक ऑफ पावर। मतलब? अरे आप में पावर की कमी है फ्रैंकलिन भैया। हाँ किस तरीके की पावर फ्रैंकलिन भैया? अरे भाई कहीं ये शिनचैन भाई जादू की बात तो नहीं कर रहे? अरे शिनचैन। फ्रैंकलिन भैया आपके पास ब्लैक मैजिक नहीं है, आपके पास कोई भी मैजिक नहीं है। मैजिक? हाँ फ्रैंकलिन भैया, जिससे आप प्रेसिडेंट को टैकल कर पाओ। अच्छा और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन भैया, मैं वही कह रहा था। अच्छा ऐसी बात है। हाँ फ्रैंकलिन भैया। फ्रैंकलिन सर नया खबर लाया। क्या खबर लाया हो? जल्दी आओ। हाँ फ्रैंकलिन सर मैं अभी आता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। मैं भाई साहब कल एक ना सिक्योरिटी गार्ड भाई भाग भाग के आ रहा है, वो भाग कर ही आएगा ना। बताओ भाई क्या हुआ है? अरे फ्रैंकलिन सर सुनिए। हाँ फ्रैंकलिन सर मेरे एक ताज़ा खबर लेकर के आया हूँ सर। प्रेसिडेंट को तबाह करने का एक अच्छा मौका मिला है। क्या सर? लॉस सैंटोस में वो एक हॉस्पिटल है। हाँ हाँ है सर, उस हॉस्पिटल के पास ना प्रेसिडेंट की कल ना सर रैली निकलेगी। रैली? हाँ सर, प्रेसिडेंट की जो रैली निकलती है और प्रेसिडेंट वहाँ पे स्पीच देगा। अच्छा हाँ फ्रैंकलिन सर, सर ये पक्की खबर है? पक्की खबर है ना? पक्का भाई, अगर झूठ निकली ना मैं तेरे को साले गोली मार दूंगा। सर मेरे को जो सूत्रों से पता चली है सर वही खबर है, अगर पोस्टपोन होती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सर मैं मेरा यही काम है। हाँ तो जाओ फिर से तुम जासूसी पे लग जाओ। हाँ जी सर जी। ओके सो गाइस, मेरे काफ़ी जासूस लगे पड़े थे, और भाई जिस चक्कर में यार ये सब खबरें मेरे पे पहुंच रही है। अरे तो फ्रैंकलिन भैया अभी कहाँ चल रहा है? शिनचैन अभी तो चलते हैं, मेरे साथ आओ। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, कहाँ चल रहे हैं? पर आओ तो सही तुम मेरे साथ। ठीक है फ्रैंकलिन भैया। ओके सो फाइनली गाइस, मेरी ये गाड़ी खड़ी हुई है, और वहाँ पे डिफेंडर से जाने का कोई मतलब नहीं है। AMG अपनी निकालते, क्योंकि ये फुल्ली भाई साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और जो कि हमें सिक्योर रखती है। आप लोगों ने जैसे कि लास्ट एपिसोड्स पे देखा ही होगा,
फ्रैंकलिन सर, सिक्योरिटी हाजिर है। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है मुझे, तुम लोग गायब तो हो जाते हो, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तुम यार मेंशन का ध्यान रखो बस, मेरे को सिक्योरिटी की वैसे जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे सर नहीं, समझिए बात को। अरे फ्रैंकलिन भैया सिक्योरिटी लेकर के चलो ना। नहीं मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है फ्रैंकलिन सर। अरे यार छोड़ो यार, रहने दो यार, फ्रैंकलिन भैया मना कर रहे हैं। फ्रैंकलिन पर हम चलते चल कर रहे हैं, तू चुप चल ना शांति से। अरे हाँ यार चलो यार, तुम यार चुप भैया, फ्रैंकलिन भैया पे शक मत करो। फ्रैंकलिन भैया कौन सी जगह पे होगी? भाई मुझे लोकेशन भेज दी है सिक्योरिटी ने, सिक्योरिटी ने मुझे बताया है कि कल कौन सी जगह पे यार प्रेसिडेंट की रैली निकलने वाली है, उसी जगह पे शिनचैन हम लोग यार एक अपनी अटैक का यार जुगाड़ करना पड़ेगा। हैं टेररिस्ट अटैक? टेररिस्ट अटैक नहीं बोलना चाहिए उसको शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया आप टेररिस्ट अटैक ही तो बोलेंगे। नहीं ओके सो गाइस, ये रहा हॉस्पिटल, इसके पीछे की जगह, हाँ ये अच्छा ये रही ओ बेटे की जान। अरे अरे अरे, अरे कौन है कौन है कौन है? तुम लोग कौन हो? अरे यहाँ पे तो हम कल प्रेसिडेंट की रैली देखने आएंगे। अच्छा अच्छा शिनचैन, इसी जगह पे प्रेसिडेंट की रैली निकलने वाली है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया रैली की जगह उसकी अर्थ ही निकलवा दो, मैं तो कहूँ। हाँ शिनचैन, प्रेसिडेंट की रैली की जगह प्रेसिडेंट की अर्थ ही जरूर निकलवा सकते हैं हम लोग। अरे फ्रैंकलिन भैया अब कहाँ चलना है? शिनचैन अब चलते हैं हम लोग एक सीक्रेट जगह पे, जहाँ पे यार हमें यार वो चीज मिलेगी। अरे कहाँ पे? पर चल तो सही तू मेरे साथ। अरे मैं रेडी हूँ। ओके सो गाइज, सो गाइज वैसे यार अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें PSS गेमर को। हाँ गाइस जल्दी से फॉलो करें, लिंक इन द। कहाँ पहुंच गए और आप यार इतनी स्पीड में क्यों चलाते हो? भाई मैंने खुद स्पीड में नहीं चलाया शिनचैन, ये गाड़ी ही ऐसी है भाई, मैं क्या ही बोलूं। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो यार जो भी है, अरे यार आराम आराम से चलो यार अब। हाँ अब आता फ्रैंकलिन, तू जा कर रहा? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भाई आप जा कर रहे हो? भाई मैं तुम्हें लेकर के तो चल रहा हूँ ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे यार ये कौन सी जगह है फ्रैंकलिन भैया, आप डरावनी जगह पे लेकर के आ रहे हो यार, लॉस सैंटोस में रात हो गई है, हम यार सुबह से ड्राइव करने दिन में ड्राइव करना शुरू हुआ था। हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है, मैं मान रहा हूँ भाई दिन में ड्राइव होना शुरू हुआ था, ये ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी थोड़ी है फ्रैंकलिन भैया। कहाँ ले जा रहे हो यार, ये कौन सी जगह लेकर के आ गए हैं? अरे अरे यार और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन भाई, यार दिमाग खराब मत करो। ब्रूनो बात तो तू करे कैडी कर देता है भाई, तेरे में दिमाग होगा तभी तो तेरे दिमाग खराब करेंगे। ये किस जगह जानी पहचानी लग रही है? अबे हाँ जानी पहचानी तो लगी रही होगी ना। ओके सो फाइनली गाइस, ये जगह कुछ ज़्यादा ही जानी पहचानी लग रही है इन लोगों को। अरे अरे फ्रैंकलिन बाबा तुमने मुझे बहुत पहचान लिया। फ्रैंकलिन खूनी हाईवे के बाद तुम्हें भी एक ऐसा केस था फ्रैंकलिन, उसके बाद मैं तुम्हें पहचानूंगा ही पहचानूंगा। खूनी हाईवे और जब मैं मर गया था आपने साथ दिया था। हाँ फ्रैंकलिन अब बोलो क्या परेशानी है तुम्हारी? बाबा मुझे कोई एक ऐसी पावर चाहिए कि यार जो यार किसी के पास ना हो। ऐसी पावर जो किसी के पास ना हो, क्या करना है तुम्हें? मुझे प्रेसिडेंट को बर्बाद करना है। प्रेसिडेंट को बर्बाद करने वाली पावर चाहिए बाबा, कोई है क्या? हाँ पावर है, लेकिन इस बच्चे को गाड़ी में बिठा दो। शिनचैन तू गाड़ी में जा। क्यों? शिनचैन तू गाड़ी में जा। ठीक है। वो बच्चा गाड़ी में चले गया। अरे अरे हमारे फ्रैंकलिन भाई के साथ कुछ मत करना। अबे कुछ नहीं होगा ब्रूनो, चुप हो तुम, शांत हो जाओ। फ्रैंकलिन तुम अपनी आंखें बंद करो। ठीक है बाबा मैं अपनी आंखें ही बंद कर लेता हूँ। ठीक है। फ्रैंकलिन ओ अरे यार ये बाबा क्या करने वाले हैं? फ्रैंकलिन अब अपनी आंखें खोलो। फ्रैंकलिन हाँ बाबा। फ्रैंकलिन तीन तक गिनो। फ्रैंकलिन ठीक है बाबा मैं तीन तक गिनता हूँ। अरे फ्रैंकलिन ये होने के वाला है? एक दो
3। अरे अरे बाबा ये क्या हो रहा मुझे, अरे फ्रैंकलिन भैया को ये क्या कर दिया आपने बाबा, बाबा पागल हो गए, फ्रैंकलिन भैया को ये क्या किया, अरे शिनचैन, अरे फ्रैंकलिन भैया तुम इस आग में तड़पने लायक हो, क्या कर रहे हो बाबा ये क्या कर रहे हो, अरे फ्रैंकलिन भैया ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये, अबे भाई शिनचैन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है ये हो क्या रहा है, अरे फ्रैंकलिन भैया ये दिमाग खराब कर रहा है यार, अरे बाबा ये कर क्यों रहे हो तुम, हाँ बाबा ये क्यों कर रहे हो, फ्रैंकलिन भैया कुछ तो करूं मैं, अरे शिनचैन, अरे फ्रैंकलिन भैया शिनचैन तुम गाड़ी में बैठे रहना, फ्रैंकलिन चिंता मत करो बाबा, लेकिन ये सब क्या चल रहा है, फ्रैंकलिन ये देखो बाबा मुझे आग का कोई असर नहीं पड़ रहा बाबा, आग का असर नहीं पड़ेगा क्या फ्रैंकलिन भैया, आप पूरे जल भून के राख हो रहे हो और आपको आग का असर नहीं पड़ रहा, हाँ शिनचैन मुझे आग का बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा, फ्रैंकलिन मैंने बोला था ना ऐसी पावर दूंगा कि यार किसी के पास नहीं है, बाबा ये किस तरीके की पावर है, फ्रैंकलिन देख ही लो तुम किस तरीके की पावर है ये आया ना मजा फ्रैंकलिन, बाबा लेकिन ये तो बड़ी खतरनाक पावर है, फ्रैंकलिन अब तुम्हें ही चाहिए थी ऐसी पावर, बाबा लेकिन मेरे को मैं हमेशा पूरे टाइम तो नहीं रह सकता ना इस आग के साथ, फ्रैंकलिन अगर तुम्हें इस आग के साथ पूरे टाइम नहीं रहना, 3 तक गिन लेना, उल्टी गिनती गिनना, 3, 2, 1 वापस से ये वापस से चल जाएगी, अच्छा बाबा फ्रैंकलिन भैया फिर जब फिर वापस से करेंगे तो फिर से तड़पेंगे फिर फ्रैंकलिन भैया, हाँ फ्रैंकलिन फिर से तड़पेगा लेकिन ये पावर फ्रैंकलिन की है, ओ भाई साहब अरे फ्रैंकलिन भैया ये किस प्रकार की पावर मिली है आपको, भाई शिनचैन ये पावर गजब की पावर है, तो गाइस देख रहे हो ना ये पावर अब मुझे मिल चुकी है, प्रेसिडेंट का तो खात्मा होना ही है, प्रेसिडेंट को पता नहीं है कि यार उसके साथ क्या होगा, शिनचैन भाई तू मेरे को अच्छे अच्छे आइडिया देता ना इसलिए भाई तू यार बढ़िया इंसान है, थैंक यू फ्रैंकलिन भैया, अगले भाई दूरी रहो गाड़ी में बैठे तो इतनी गर्मी हो गई, अरे भाई तुम्हें भी मैं ऐसा कर दूंगा तुम्हें भी असर नहीं पड़ेगा, अरे आग वाला बंदा ये तो गोस्ट राइडर है, गोस्ट राइडर वाली पावर है गाइस ये, तो गाइस चलो यार इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें गाइस, हाँ गाइस तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, हाँ गाइस बाय टाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करना बिल्कुल ना भूले गाइस।